आमर चैनल रे देखो फ्रेंड्स वर्तमान अपडेट आपण मानी आसी सीमा सड़क विभाग रे निजुक्ति बा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तरफ 302 पोस्ट रो वैकेंसी देखिबा मिलुची। जदि आपण माने फॉर्म को अप्लाई करिया को चाहूचंती ताहले ऑफलाइन प्रोसेस रहिबो फ्रेंड्स, जो थ्री के आपण मानकु पोस्टल थ्रू रे अप्लाई करिया को पड़िबो। तबे एथि सहित एथिरे आपण मानकर क्वालिफिकेशन कोन रहूची, एज लिमिट कोन रहूची, सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहूची, सब किछ अपडेट आपण मानकु वीडियो माध्यम रे शेयर करबि। तेणुक भिडियो को शेष जाए देखिए और भिडियो भल लगे निश्चित रूप भिडियो को लाइक टे करेंगे, सांग सहित तो सेयार करने को जमार भूलिबे ना। चैनल को प्रथम थर कर भिजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने आगामी दिन मैं यही लाटेस्ट अपडेट आपरेंगे। एथस भिडियोर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाए, जो क्लिक करके आपने जॉइन करेंगे। नीतिदिन आपण मानक इनस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए जहाँ को देखिपारे और आपण मैंने डिटेल्स जापरेंगे। तेज चलतु जाने रखा यही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तरफ आसवा निजुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचनाटी। तेज आपण देखिपारे एटी रिक्रुटमेंट अपडेट्रे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तरफ निजुक्ति मल्टी स्किल्ड वर्कर, ठीक अच्छे ये 302 पदवीर वैकेंसी एटी डिटेल्स वैकेंसी अपडेट मुझे मेनसन कर मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन और मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस नर्सिंग असिस्टेंट पदवीर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिबा। जदि मल्टी स्किल वर्कर मासन पदवी रे 147 नर्सिंग असिस्टेंट पदवी रे 155 पोस्ट रो वैकेंसी देखिबा मिलुची। एई भली टोटल ऊपर 302 पोस्ट रो वैकेंसी रहिची। एठी यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रो पिला मानन पई वैकेंसी रहिची एवं ता सहित को कैटेगरी केते केते वैकेंसी रहिची मध्य मेंशन करा जायची। आपण मान चाहिले एहा को चेक करि परिबे निज निज कैटेगरी रो वैकेंसी डिटेल्स भी जानि परिबे। तबे ये देखिबा जदि आपण माने एहा को अप्लाई करिया को चाहूचंती एथिरे इलिजिबिलिटी कंडीशन रे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहूची। सिंपली जदि आपण माने मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन पदे पे अप्लाई करूचंती ताले मैट्रिकुलेशन कंप्लीट सहित आपण मानकर किछि एक्सपीरियंस आवश्यक रहूची। जदि आपण माने एहा को अप्लाई करूचंती ताले एथि आपण मानकर देखंतु आपण माने जदि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन रे एक्सपीरियंस थिबो ताले एहा को अप्लाई करंतु। निश्चित रूपे एहा को अप्लाई करि देरे आपण मानकर इलिजिबिलिटी हे जाउची, निश्चित रूपे आपण माने एथिरे जॉब टी को हासिल कर पारे। एथि सहित एटी अदर क्राइटेरिया भी लिखा जाइछि, आपण मान चाहिले वीडियो को पॉज करके देखि परिबे। एवं आपण मान जदि नर्सिंग असिस्टेंट पे अप्लाई करूछंती ताहले एटी 12th पास सहित नर्सिंग आपणकर जो एएनएम कोर्स रहिछि ताको कंप्लीट करथिबे ताहले एथि पे एलिजिबल हेइ परिबे। एथि सहित एटी अदर क्राइटेरिया रहिछि, आपण मान भी चाहिले चेक कर परिबे। सिंपली आपण मानकर जे 12th पास करिछंती एएनएम कोर्स करिछंती ताहले निश्चित रूपे याको अप्लाई करिनियंतु। एटी एज लिमिट आपण मान 23/5/2022 शेष तारीख सुधा मेसन पदवी पर 18 वर्ष 25 वर्ष पिलाने अप्लाई करेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट पर 18 वर्ष 27 वर्ष पिलाने अप्लाई करेंगे। एसिस्टिंग क्षेत्र में एज रिलैक्सेशन रही गवर्नमेंट रूल अनुसार ऑल इंडिया कैंडिडेट यह अप्लाई करेंगे, समस्ते इलिजिबल अटंती। तेरे फॉर्म टी आपण मैंने ऑफलाइन प्रोसेस रे अप्लाई करेंगे। ये ऑफलाइन अप्लाई कला बेले भी आपण किसी एप्लीकेशन फीस लगे। जदि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलंग्स करते 50 टका एप्लीकेशन फीस देते, एससीएसटी कैटेगरी बिलंग्स करते कौन एप्लीकेशन फीस देवाक पड़े ना। तेज जदि आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस होते हैं ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फीस को पैठ करेंगे। यही आमर ऑफिशियल साइट माध्यम से आम आपको पेमेंट लिंकटा प्रोवाइड करदेबु, जोटा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रे सीधा सड़क आपने 50 टका ट्रांसफर करेंगे। तेज एटी आपर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहिबो, प्रथमे रिटन एग्जाम रहिबो, फिजिकली टेस्ट रहिबो, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट रहिबो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम करा जाय आपण मानकु नियुक्ति दिया जिवो। तेबे आपण मान तो ऑफलाइन प्रोसेस रे फॉर्म टी को अप्लाई करिवे, तेंकु एठी डिटेल्स मेंशन करा जाय छी केमिति कोन आपण माने याको अप्लाई करिवे, कोन कोन आवश्यकता आपण मानकर एथिरे रहिबो। तेबे वीडियो टी को पॉज करके डिटेल्स रे देखिबे। एठी मु एड्रेस दे छी आपण मानकर को ठिकु आपण माने रजिस्टर्ड पोस्ट रे अप्लाई करिवे। एठी आपण मानकर संपूर्ण डिटेल्स रही छी एवं एही एड्रेस रे आपण मानको आपण मानकर एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपण मानकर सर्टिफिकेट सहित डॉक्यूमेंट सहित सेल्फ अटेस्टेड करके पूरा पठेबे, ठीक अच्छे। गेजेटेड ऑफिसर रे आपण मान जदि अटेस्टेड क्वेश्चन चलिबो पी सेल्फ अटेस्टेड कलि भी चलिबो, ठीक अच्छे। तेणुकर आपण मानकर ए एड्रेस एटी गोटे एड्रेस रही सबमिटेड टू कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर दिल्ली कैंप पुणे 411015 ए एड्रेस आपण मानक पहुँचबार अच्छी आपण मानक 22/5/2022 सुधा, ठीक अच्छे। आपण मानक शेष तारीख 22/5/2022 अच्छी ना, तेणुकर पूर्व आपण मानक फॉर्म टी अप्लाई करार अच्छी।
ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନର ଯେଉଁ ଏନଭଲପ୍ ରହିବ, ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାଟେଗୋରି ତାକୁ ବି ମେନସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ 9/4/2022 ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସରି 23/5/2022 ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏଠି ଅପ୍ଲାଏ ଆପ୍ଲିକେସନର ଫର୍ମାଟଟି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅଧିକ ଜବ୍ର ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.naukri.in। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଏଠି ମିଳିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।